यहां तक हमें इतना पता चला, डायनेमिकली एलोकेटेड ब्लॉक का कोई नाम नहीं होता है, उसे एक स्टैटिकली एलोकेटेड ब्लॉक की जरूरत पड़ती है जिसका एड्रेसिंग मोड इनडायरेक्ट हो। सी में ऐसी चीज को आप पॉइंटर कहते थे। जो भी हमने रेक्टेंगल नाम की क्लास डिफाइन की थी, अगर वो हम C++ में डिफाइन करते, C++ के सिंटेक्स का यूज करते हुए, उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते? लेट्स से हमने लिखा दिस। अगर हम ऐसी चीज लिख रहे हैं, इसका मतलब ये चीज कंपाइलेशन टाइम पे कंपाइलर को अवेलेबल होगी। जो चीज कंपाइलर को कंपाइलेशन टाइम पे अवेलेबल हो, उसके लिए मेमोरी स्टैटिकली एलोकेटेड होगी कि डायनेमिकली एलोकेटेड होगी? स्टैटिकली। C++ में ऑब्जेक्ट स्टैटिकली बनते थे। यहां से एक ब्लॉक बनेगा जिसके पास दो डेटा मेंबर होंगे, इसका अपना कुछ एड्रेस होगा, अपना कुछ नाम होगा। ये है इसे हम कहेंगे स्टैटिकली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। अब स्टैटिकली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का मतलब नहीं कि ये कंपाइलेशन टाइम पे बन गया, मतलब आपको पता चल गया इसमें कितनी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, उसे हम किस नाम से आइडेंटिफाई करेंगे, वो सब हमें कंपाइलेशन टाइम पे पता था, इसलिए हम इसे स्टैटिकली क्रिएटेड कह रहे हैं। अब जावा की बात करते हैं। अगर जावा में मैं ऐसे लिखूं रेक्टेंगल आर, इससे कोई स्टैटिकली एलोकेटेड ब्लॉक बनेगा कि डायनेमिकली एलोकेटेड ब्लॉक बनेगा? बता चुका हूं आपको अभी बेसिक कॉन्सेप्ट। जो चीज कंपाइलेशन टाइम पे नोन हो वो स्टैटिकली एलोकेटेड, जो रन टाइम पे नोन हो वो डायनेमिकली एलोकेटेड। क्या कंपाइलर को कंपाइल करते समय ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी? यस या नो? नो, उसे नहीं दिखाई दे रहा यहां आर नाम का आप कुछ बना रहा जा रहा है रेक्टेंगल टाइप का। अगर वहां पर अवेलेबल थी तो यहां पर भी तो अवेलेबल होगी। इससे एक स्टैटिकली एलोकेटेड ब्लॉक बनेगा लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये अंतर है। इसका अपना एक नाम है, एड्रेस है, वैल्यू है, स्टैटिकली एलोकेटेड है। ये फर्क है जावा में और C++ में। मैं C++ में ऐसा लिखता ऑब्जेक्ट बनता, जावा में ऐसा लिखा रेफरेंस वेरिएबल बना। अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट करानी पड़ेगी। सी में फंक्शन होते थे, C++ में वो फंक्शन हटा दिए गए, एक कीवर्ड लाया गया रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करने के लिए, क्या न्यू। जावा में वो कीवर्ड से न्यू नेम के साथ रिटेन कर लिया गया। अब यहां पर आगे मैंने लिखा लेट से अब यहां पर मैं दो काम करा रहा हूं। इससे मैं एक ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट करवा रहा हूं, इससे मैं उसका रेफरेंस आर में स्टोर करा रहा हूं। यहां पर पहले लिखते हैं एक ब्लॉक बना जिसका अपना कुछ एड्रेस होगा, लेट से 100 एड्रेस है, उसमें दो डेटा मेंबर होंगे। दो डेटा मेंबर क्यों होंगे? क्योंकि हमने रेक्टेंगल क्लास में दो एट्रीब्यूट रखे थे। इसका अपना कोई नाम नहीं होगा। अब यहां पर हमने इसे लिख देते हैं 2.1। इसमें और इसमें कुछ अंतर है? इसका नाम है, वैल्यू है, एड्रेस है। इसका एड्रेस है, वैल्यूज है, नाम नहीं है। जो भी मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट होगी उसका कभी कोई नाम नहीं होगा। ये ऑब्जेक्ट है वो रेफरेंस वेरिएबल है, चीज होती है रेफरेंस वेरिएबल, अलग चीज होती है। अब मैंने कहा था रेफरेंस वेरिएबल इज एन इंप्लिसिट पॉइंटर, अब आपको वो बात समझ में आएगी। ये मेरे पास एक डायनेमिकली एलोकेटेड ब्लॉक है, इसे मैं अगर आर नाम का यूज करके रेफर कर पा रहा हूं, इसका मतलब आर क्या होगा? एक पॉइंटर होगा, क्योंकि पॉइंटर में ही आप किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। मैंने उसे पॉइंटर की तरह डिक्लेयर किया नहीं, लेकिन काम वो एक पॉइंटर की तरह से कर रहा है, तो मैं क्या कहूंगा उसे? हमारा आया कुछ? जावा में ऑब्जेक्ट का अपना कोई नाम नहीं होता है, उसका रेफरेंस हम जिस भी रेफरेंस वेरिएबल में रख देते हैं उसके नाम के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को पहचानना शुरू कर देते हैं। एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जावा में कितने भी रेफरेंस वेरिएबल में रखा जा सकता है।
यहां ये नहीं लिखा एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इन रेफरेंस वेरिएबल आर, जानबूझ के ऐसा किया गया है। जावा की कोई भी बुक आप पढ़ के देखो, उसमें कहीं भी एड्रेस टर्म आपको नहीं मिलेगी। क्या टर्म मिलेगी? रेफरेंस। क्या एड्रेस और रेफरेंस सेम चीज होती है या अलग अलग चीज होती है? कौन बता सकता है क्या डिफरेंस होता है एड्रेस और रेफरेंस में? क्यों सन माइक्रोसिस्टम ने एक नई टर्म दी रेफरेंस, उन्होंने एड्रेस टर्म क्यों यूज नहीं की? डिफरेंस बिटवीन एड्रेस एंड रेफरेंस, एड्रेस रिप्रेजेंट्स ए मेमोरी लोकेशन व्हेयरएज रेफरेंस रिप्रेजेंट्स ए मैकेनिज्म, व्हेयरएज रेफरेंस रिप्रेजेंट्स ए मैकेनिज्म टू लोकेट ए मेमोरी लोकेशन। एड्रेस का मतलब है किसी जगह को हमने कोई नाम दे दिया, कोई नंबर दे दिया, उसे हम किसी एक नाम या नंबर से पहचान रहे हैं। अगर मेरे पास वो नाम या नंबर है और मैं वहां तक जाना चाहता हूं, तो जो तरीका है वहां तक पहुंचने का उस नाम या नंबर तक, वो रेफरेंस है। रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल बताता हूं, आपको फर्क समझ में आएगा। मान के चलते हैं आपके घर कोई आपका दूर का रिश्तेदार आया, आपने बड़े अच्छे से उसकी खातिर की, जाते समय वो आपको अपना एड्रेस देके गया। रियल लाइफ में ऐसे ही होता है, अगर आप किसी के यहां जाए तो आप अपना एड्रेस देके आते हैं कि भाई अब की बार अब आप आना, वो भी आपको अपना एड्रेस देके गया कि अब की बार आप आना हमारे घर। अभी एक दिन आपको फुर्सत मिली, आपने प्रोग्राम बनाया, चलो आज उनके यहां होके आते हैं, एड्रेस आपके पास है। जो एड्रेस जिस शहर का था उस शहर में आप पहुंच गए। अब उस शहर में वो पर्टिकुलर एड्रेस कहां पर है आप जानते होंगे? नहीं। क्या करेंगे आप? किसी से पूछेंगे उस शहर में जाने के बाद, चाय वाले से, पान वाले से, रिक्शा वाले से, पुलिस वाले से, ऑटो वाले से, वो लोगों को बताएंगे कि ये एड्रेस है, इस जगह जाना है, कैसे जाऊं बताओ। वो आपको बताएंगे जो जानता होगा, वो आपको बताएगा सीधे जाओ, दो रेड लाइट छोड़ के राइट टर्न लेना, आगे एक बड़ा सा मंदिर आएगा, बरगद का पेड़ होगा, वहां से लेफ्ट मुड़ जाना, फिर ऐसे होगा वैसे होगा। क्या बता रहा है वो आपको? These are references. दो रेड लाइट छोड़ के राइट टर्न लेना, ये क्या है? रेफरेंस। आगे जाके एक मंदिर आएगा, बरगद का पेड़ होगा, क्या है ये? रेफरेंस। समझ आ रहा है कुछ? रेफरेंस है किसी एड्रेस तक पहुंचने का तरीका। एड्रेस है एक लोकेशन, दो बिल्कुल अलग अलग चीज है। अब जावा में इन्हें क्यों अलग अलग किया गया है, लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से। इन जावा different JREs, different JREs provide different implementations of reference variables, different JREs provide different implementations of reference variables. For example, मैंने आपको स्टार्टिंग में JVM और JRE में फर्क बताया था। JVM मैंने आपको बताया एक डॉक्यूमेंटेशन है, JRE उसकी इंप्लीमेंटेशन है। मैंने ये भी आपको बताया सन माइक्रोसिस्टम भी JRE बनाता है, प्लस और बहुत सारे वेंडर्स JRE बनाते हैं, उसने सबको लाइसेंस दिया हुआ था। अब मैं यहां दो अलग अलग पार्टी के JRE की बात करता हूं। यहां पर देखिएगा दो अलग अलग इंप्लीमेंटेशन मैंने दिखाई है। माइक्रोसॉफ्ट का जो जेआरई है उसमें रेफरेंस वेरिएबल सीधे पॉइंटर की फॉर्म में इंप्लीमेंट किए गए हैं। ऑब्जेक्ट का एड्रेस रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर किया जाता है, या आप कह सकते हैं रेफरेंस वेरिएबल कंटेन्स द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन यह बात केवल इस जेआरई के लिए सही होगी, बाकी किसी के लिए सही नहीं होगी। अगर मैं सब माइक्रोसिस्टम का जेआरई यूज करूं, यहां पर रेफरेंस वेरिएबल को पॉइंटर टू पॉइंटर की फॉर्म में इंप्लीमेंट किया हुआ है। ऑब्जेक्ट का एड्रेस एक पॉइंटर में रखा जाता है, उस पॉइंटर का एड्रेस रेफरेंस वेरिएबल में रखा जाता है। अगर मैं यहां कहूं कि वैल्यू ऑफ रेफरेंस वेरिएबल इज द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट, सब गलत हो जाएगा, लेकिन एक स्टेटमेंट दोनों जगह सही रहेगा। यहां आर का यूज करके मैं ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकता हूं, यहां भी आर का यूज करके मैं ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकता हूं। समझ आ रही है बात? जो रेफरेंस
इंस्टेंस वेरिएबल है, वो आपको बताया गया एक साधन है आपके पास ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का, वो ऑब्जेक्ट के एड्रेस को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वो कोई दूसरी चीज भी हो सकती है। हर जगह एड्रेस नहीं है इसलिए एड्रेस टर्म यूज नहीं की गई है। बात समझ आई?